श्री कृष्ण ने वीर एकलव्य भील को क्यों मारा और उसके पीछे क्या कारण रहा था, और द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा क्यों कटवा दिया, और कैसे एकलव्य ने यादव वंश की सेनाओं को आधे से ज़्यादा खत्म कर दिया। वीर एकलव्य भील की कई ऐसी अनोखी बातें हैं जो आज आपके होश उड़ा देगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम ऐसे ही नायक और भील समाज के हिस्ट्रिकल वीडियो बनाते रहते हैं, तो आज शुरू करते हैं आज का वीडियो। निषाद वंश का राजा बनने के बाद एकलव्य ने जरासंघ की सेना की तरफ से मथुरा पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के दौरान एकलव्य ने यादव वंश का लगभग आधे से ज़्यादा सेनाओं का सफाया कर दिया और यादव वंश में हाहाकार मचने लगा। जब श्री कृष्ण ने दाहिने हाथ में वह चार उंगलियों के सहारे बाण चलाते हुए एकलव्य को देखकर हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें इस दृश्य पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि धनुर्धारी वीर एकलव्य अकेले ही पूरे यादव वंश के योद्धाओं को रोकने में सक्षम था। द्रोणाचार्य ने एकलव्य का इस कारण अंगूठा उनसे मांग लिया ताकि वो युद्ध में हार जाए। श्री कृष्ण भगवान ने सोचा अगर एकलव्य ऐसे ही रहा तो यादव वंश का अंत कर देगा। इसी युद्ध में श्री कृष्ण भगवान ने छल से एकलव्य का वध कर दिया। इस कारण भगवान श्री कृष्ण ने छल करके एकलव्य को वध कर दिया। जिन लोगों को सदाचारी हमेशा धर्म की राह पर चलने वाला बताया था, उन्हीं लोगों ने महाभारत में सबसे ज़्यादा छल किया, और एकलव्य जैसे महान धनुर्धारी के लिए श्री कृष्ण द्रोणाचार्य सबसे ज़्यादा कुर्व साबित हुए, चाहे वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो या फिर गुरु द्रोणाचार्य। जिस दुनिया ने भगवान समझ कर उनको पूजा था, वो भगवान ऐसा करेगा ये कभी किसी ने नहीं सोचा था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।